विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ए तिरंगे तेरे नाम, मेरी जान है कुर्बान। अगर आप ये नारे लगाते हैं, अगर तिरंगे को देखकर आपका सिर प्रणाम के लिए झुकता है, अगर तिरंगे पर आप गर्व महसूस करते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। अगर आपके दिल में देश धड़कता है, तो ये खबर आपके लिए है। जिस तिरंगे के सम्मान के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी, जिसकी आन बान और शान के लिए आजाद, बोस, भगत सिंह जैसे वीर लालों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिस तिरंगे के लिए सीमा पर हमारे और आपके घरों के बेटे जान हथेली पर लेकर खड़े हैं, जब उसी तिरंगे के सम्मान और शौर्य की यात्रा से किसी को तकलीफ होने लगे, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, तो एक समुदाय विशेष के लोगों को ये नागवार गुजरा। बवाल शुरू हो गया, हंगामा हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई और चंदन नाम के एक शख्स की मौत हो गई। पूरी स्थिति पर काबू पाने में जिला प्रशासन पूरी तरह फेल रहा। कासगंज में अभी भी हालात काबू से बाहर हैं। शुक्रवार को इन उपद्रवी तत्वों ने एक युवक की जान ले ली और जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो फिर हिंसा भड़क गई, फिर आगजनी शुरू हुई। एक टूटी गुमटी में आग लगा दिया, ये अराजकता है। हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। जो कोई इस तरह मिलेगा उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आएंगे। अब कोई मुरव्वत नहीं होगी। आग लगाने का प्रयास कर रहे थे, आग नहीं लगाए हैं, खदेड़ा गया है उनको। और हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जहां कहीं भी मिलेंगे इनके साथ बहुत सख्ती से। सारी व्यवस्था है, फिर भी कुछ लोगों ने एक जगह बहुत दुकान कुर्सी डाल दिया, इस तरह की छोटी मोटी घटना करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने तो कोई बस की बात नहीं आई है, पुलिस जगह जगह लगी है, सबकी जवाबदेही तय कर दी गई है। कासगंज जलता रहा, धधकता रहा और जिले का प्रशासन तमाशबीन बना रहा। क्या फायदा ऐसे खाकीधारियों का जो मुट्ठी भर शरारती तत्वों को तोड़ ना सके। कासगंज से लेकर लखनऊ तक अधिकारियों ने सिर्फ बयानबाजी का मोर्चा संभाला। काबू पा लेंगे, स्थिति सुधर रही है, सब कुछ ठीक है और भी कई जुमले। डंडा पटकने वाले सिपाही से लेकर ऊंची कुर्सी पर बैठे ओहदेदार वर्दी वालों तक सब तमाशा देखते रहे। हिंसा भड़कती रही, बसें फूंक दी गईं, दुकानों में आग लगा दी गई। कर्फ्यू के बावजूद आग की लपटों में कासगंज जलता रहा। तीन तीन जिलों की पुलिस झक मारती रही और बवाल बढ़ता गया। कासगंज में मचे कोहराम के बाद हैरत है कि ऐसे लापरवाह डीएम और एसपी पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कासगंज जलता रहा और दिखावे के लिए पुलिस लाठी पटकती रही। हुजूर, ये हिंदुस्तान है, तिरंगा यहाँ नहीं लहरेगा तो क्या कराची में लहरेगा? सियासत भी ऐसे मौके पर बयान बहादुरी में वीरता पदक हासिल करने के लिए आगे आ गई। कासगंज की सांप्रदायिक हिंसा जो है बहुत दुखद है और बहुत शोचनीय है। 26 जनवरी को अलर्ट ऑलरेडी जारी था, सबको पता था कि ये मार्च निकलने वाला है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीजीपी और सबके रहते हुए ऐसा कैसे हो गया कि एक बच्चे की मौत हुई? और इस घटना ने सांप्रदायिक रूप अब ले लिया। उत्तर प्रदेश में जहां सभी धर्मों के लोग सुख शांति से आप रह रहे थे, इस घटना पे आप कोई एक्शन भी नहीं ले पाए और अभी भी वहां शांति बहाल नहीं है। अभी भी लोग पेट्रोल, अभी भी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घटना नॉर्मल है। तो आप सच का सामना न करना चाहते हैं या आप में काबिलियत नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश को गवर्न कर सकें? आपको उत्तर प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि झूठ भी बड़ा भ्रष्टाचार है और आपकी सरकार लगातार झूठ। लखनऊ से आईपीएस अधिकारी कासगंज भेजे गए कि जाओ अब इस तांडव को रोको, लेकिन सवाल ये है कि दंगों पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली प्रदेश सरकार का इकबाल क्यों खत्म हो गया? कासगंज में एक युवक की हत्या कर दी जाती है और धधकते कासगंज की आग बुझा पाने में नाकाम सियासत विलाप करती है। पहले तो कासगंज के मामले को लापरवाही से लिया गया और अब लीपापोती की जा रही है। हिंदुस्तान में तिरंगा लहराने की सजा अगर मौत है, तो इससे शर्मनाक, इससे दर्दनाक कुछ और नहीं हो सकता।